एक रियांश। तो क्रियांश हो गया है तैयार, हम लोग निकलने वाले हैं मार्केट। क्रियांश ने खूब सारी शॉपिंग की है, लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, सारा सामान जो है हमारा पैक हो चुका है, तो ऑटो जो है आ जाएगा और ऑटो पे हम लोग जो है बैठ करके चले जाएंगे। जय करो, बाय बाय, बाय कर दो। हम लोग पहुँच गए हैं कटिहार रेलवे स्टेशन और क्रियांश जो है अभी इसके लिए जीत कर रहा है। ट्रेन में क्रियांश चिटे क्या खा लियो, क्रियांश सेकंड से फर्स्ट कर दिया था और इस बार थर्ड से इकोनॉमी कर दिया। लेकिन बस 3 घंटे का है, 3 घंटे में हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे, वहां से है हमारी फ्लाइट। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी हम लोग जो है निकलने वाले हैं अब केरला जी, हाँ केरला की ट्रिप की जो है अब शुरुआत होने वाली है और अभी बज रहे हैं जी शाम के 6 और हम लोगों का जो है सुबह 6 बजे यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। 7 बजे जो है ट्रेन है तो हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। 6 बजे निकलेंगे, 7 बजे ट्रेन का समय है, 6 बजे ट्रेन, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जी साउथ के ट्रिप के लिए। हम लोग सोचते थे कि कभी केरला जाएंगे और वैसे हम लोग सोच रहे थे कि पहले गोवा चले जाए, लेकिन गोवा को लेकर के जो है फीडबैक थोड़ा अभी नहीं मिला कि इस मौसम में हम लोगों को जाना चाहिए। वैसे तो केरला के बारे में भी सुनने को मिला कि इस मॉनसून के समय जो है नहीं जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोगों को था कि कहीं ना कहीं घूमने निकलना था। बहुत दिन हो गया जी, अब यह मॉनसून खत्म होने का कितना इंतजार करें। मॉनसून खत्म होते होते जो है अच्छा खासा समय हो जाएगा तो हम लोग अच्छा है कि इससे पहले कि थोड़ा निकल लें। बारिश के समय में हमें बहुत ज्यादा मन था कि कोई भी ऐसा जगह जाए जो बिल्कुल हरा भरा हो, और केरला के बारे में तो जानते हैं। कहाँ गए थे? वहाँ अराकू वैली गए थे। अरे कितना सुंदर जगह, बिल्कुल बारिश के समय में और भी खूबसूरत लग रहा था वह जगह, वैली था। तो उसी तरीके से जी मुन्नार भी वैसा जगह है, तो उम्मीद करते हैं जी वह भी अच्छा लगेगा। और जो भी केरला गए होंगे या जो भी अभी केरला में होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा कि मॉनसून में क्या क्या हम लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो आप लोग जरूर सुझाव दीजिएगा कि कहाँ पर जो है कुछ कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा और लोकल डिश हो और वेज में हो। जी हाँ, हम जो है वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन भैया, क्योंकि सावन का समय है तो यह भी वेजिटेरियन ही रहेगी। हमें उतना नॉनवेज पसंद नहीं है, लेकिन हमारे इधर ऐसा है ना, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन मम्मी लोग छोड़ने नहीं दे रही है, कहती है कि अच्छा नहीं माना जाता है छोड़ना, थोड़ा बहुत तो खाती हो कभी कदार खाते हो। तो ठीक है जी, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर हम लोग जो है आगे मिलते हैं आप लोगों से। रियांश, एक रियांश। तो क्रियांश अभी चला गया अपनी दादी के साथ घूमने के लिए सड़क पे, और अभी यहाँ से जाएगा वो मंदिर, मंदिर में प्रणाम करता है और फिर वहां से आता है दादी के साथ। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम बाहर निकलता है, बाहर निकलना चाहिए बच्चों को। और डेली वो जाता है सुबह शाम मंदिर, जब हम लोग सोए रहते हैं ना, और वो नीचे आता है अपनी दादी के साथ, सुबह सुबह मंदिर जाता है, फिर शाम में जैसे शाम हो गया अभी तो अभी फिर जाएगा दादी के साथ मंदिर। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और करेंगे अभी पैकिंग, क्योंकि क्रियांश तो फिर आ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं करने देगा। जितना सामान मैं रखती हूँ ट्रॉली में वो सारा कुछ निकाल के फेंक देता है, और अगर मैं उसको मना करूँ कि नहीं निकालो तो रोएगा बहुत, इतना जोर से रोएगा ना कि उसके बाबा पूछने आ जाते क्यों रोया। 20 minutes later क्रियांश आ चुका है। हाँ? तो हमारी तो पैकिंग हो गई है, अब क्रियांश की पैकिंग होगी जो क्रियांश खुद करेगा। खुद से करेगा, चलो तुम्हारा पापा ने तो आज तक किया नहीं है अपने से पैकिंग, बेटा करेगा। जाओ ट्रॉली लेके आओ क्रियांश, तुम अपना सुनो ना, मेरी बात सुनो। ये देखो पापा उधर गए, पापा पापा उधर गए, ट्रॉली लेके आइए, तो अपनी ट्रॉली लेके आइए, तब मम्मा कपड़ा रख देगी। यहाँ पे आ गया क्रियांश अपना ट्रॉली लेने के लिए। तो क्रियांश की ट्रॉली है वो छोटी वाली, भरा हुआ है, ले उतार लीजिए, उतार लीजिए। एक आसमानी रंग का रखा हुआ था भाई, ले लो ना। तो उसमें क्या है जो भरा हुआ है? उसमें कुछ है, भरा हुआ है पूरा। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, बड़ा इतना ही बड़ा है, वो भी थोड़ा सा बड़ा है बस। Two hours later. तो क्रियांश हो गया है तैयार, हम लोग निकलने वाले हैं मार्केट और यहाँ पर दादी को पूजा करते हुए देख रहा है। कुछ देर पहले जय जय कर रहा था, वही क्रियांश जय करना है, एक बार जय कर लो फिर चलते हैं हम लोग। जय कर दिया एक बार, जैसे प्रणाम समर्पित रहता है हर पल, वही संस्कार लेके मेरा पोता आया है, हर पल उसका प्रणाम रूप चरण में समर्पित रहता है, क्योंकि हर समय ये जय 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 करता है। हाँ जय 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 जय। कोई भी इसका सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगता है ना, कि कोई भी बदमाशी कर देगा सोचता है कि अब दादी डांटेगी, तो जय 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 जय। चलो चलो चलो, दुनिया के हर कोना में ढाल बन के प्रभु खड़े रहेंगे। ये एक्साइटेड है कि हम जा रहे हैं। तो क्रियांश आ गया शॉपिंग करने के लिए, चलिए क्रियांश जाओ जाओ।
फाइनली हमारी सारी शॉपिंग हो गई। क्रियांश ने खूब सारी शॉपिंग की है। क्रियांश बताओ, हमने शॉपिंग किया ना? क्रियांश इतने सारे लोगों को देख रहा है और इतना सारा सामान देख रहा है कि सारा सामान इधर से उधर करने में है सिर्फ। क्या अभी भी इसकी ध्यान कहीं और है, कुछ और देखने में। और वहाँ पे पतिदेव बिलिंग करवा रहे हैं। क्या एक और लेके आता हूँ। The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 5। कुछ ही देर पहले सो करके उठे हैं। कुछ ही देर पहले क्या जी, लगभग आधा घंटा 40 मिनट पहले उठे हैं। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, सारा सामान जो है हमारा पैक हो चुका है और क्रियांश का गर्म पानी भी तैयार हो गया है, क्रियांश का दूध सब कुछ पैक हो चुका है। अभी जब भी ट्रिप पर जाते हैं तो अपना ख्याल नहीं रहता है, सबसे पहला ख्याल रहता है कि क्रियांश का सामान सब गया है कि नहीं। हमारा सामान कुछ भी आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन बच्चे का सामान अगर इधर उधर हो गया और कहीं सामान वहाँ नहीं मिला वहाँ पर जा करके तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और एक अच्छी बात यह है कि अब वह क्रियांश जो है लगभग 14 महीने सबका हो चुका है तो थोड़ा बहुत जो है अनाज सब भी लेना उसने स्टार्ट कर दिया है, फ्रूट सब भी थोड़ा बहुत ले लेता है। दूध के अलावा कुछ और भी ऑप्शन अब अवेलेबल है तो इसके वजह से जो है अब थोड़ी सी राहत मिली है। जब क्रियांश छोटा था लगभग लगता है कि जब तक वह 8 महीने का नहीं था हम लोगों ने कहीं भी ट्रेवल नहीं किया था, अब जब वह थोड़ा बड़ा हो गया तब अब हम लोगों ने जो है निकलना स्टार्ट कर दिया है। और जब भी क्रियांश के साथ ट्रेवल करते हैं कोशिश करते हैं कि बहुत ही आराम से घूमे। जैसे एक बार याद होगा वृंदावन गए थे तो साथ में रुद्र पूजा भी गए थे वो लोग साथ। वह ट्रिप जो था लगभग समझिए वृंदावन का जो भी गए होंगे वहाँ पर तो मुश्किल से ज्यादा 2 दिन लगता होगा वहाँ का, लेकिन हम लोग वह ट्रिप 5 दिन में करके आए। वह भी कुछ जगह छूट गया हमसे क्योंकि हम लोग बहुत ही आराम से घूम रहे थे बच्चे को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए। तो इसलिए यह जो ट्रिप है जी, यह भी जो ट्रिप है इसको किया जा सकता है कम दिनों में, लेकिन हमने ज्यादा दिन लिया है वहाँ पर स्टे क्योंकि आराम से ट्रेवल करेंगे, नहीं चाहते कि थोड़ा सा ज्यादा घूमे बच्चे के साथ क्योंकि बच्चे के ऊपर इसका असर हो सकता है। और इधर जिया का भी नहाना हो चुका है, जिया फिलहाल यहाँ पर कर रही है पूजा तो जल्दी से जब तक ये पूजा करती है और क्रियांश वहाँ पर सोया हुआ है तभी उसको सोने ही देते हैं, हम नहा करके आते हैं उसके बाद क्रियांश को भी जा करके नहला देंगे। हाँ अभी वो सो रहा है तो अच्छा कि घर ही दिन में सोया ही रहे और तब तक हम लोगों का सारा काम भी हो गया अपना। और यहाँ जो है क्रियांश का बोतल भी उबल चुका है तब इस गैस को कर देते हैं बंद। और इस बार जो है खाने के लिए हमने कुछ ले लिया है, कम से कम इस तरह का जो कप नूडल्स होता है कम से कम 10 कप नूडल्स लिया है हमने, काफी काम देता है जी। बस खाली गर्म पानी इसमें डालो और अच्छे से जो है मिला लो इसको और बन गया अपना। और जब इसको फ्लाइट में हम खरीदते हैं तो 200-300 रुपए का एक मिलता है ये, जो कि सोचिए मात्र 35 रुपए में यहाँ पर मिल रहा है, तो इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा ले लिया है। देखते हैं फ्लाइट वाले अलाउ करते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है कि अलाउ करना चाहिए क्योंकि पूरा पैक्ड आइटम है, और नहीं करेंगे बाकी सबको डाल दिया है केबिन बैगेज में। और जो हैंड बैगेज है हैंड बैगेज में जो है बस ये 4 रखा है और अगर अलाउ नहीं किया तो इसको भी हम उसी में डाल देंगे। 20 मिनट्स लेट। तो हम हो गए जी नहा धोकर के तैयार, क्रियांश भी हो चुका है तैयार। तो क्रियांश फिलहाल जो है अपना कार्टून देख रहा है वहाँ पर, देख सकते हैं कार्टून वहाँ पर लगा हुआ है। और जिया के हुए दूध लाने के लिए तो जल्दी से क्रियांश का भोजन हो जाएगा और अभी से ठीक 15-20 मिनट बाद जो है हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भला था कि एक टोटो वाली भैया का नंबर था, उनको फोन किया तो उनसे पूछा आप जो है अवेलेबल है अभी, आप जो अभी छोड़ पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नहीं तो मुझे अभी थोड़ा अच्छा खासा भटकना पड़ता। दिक्कत क्या होती है जी, सुबह सुबह के टाइम में थोड़ा सा ऑटो मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों के, ठीक घर के पास से जो ऑटो नहीं मिलता है हम लोगों को, लगभग 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है रोड पे और वहाँ से जा करके ऑटो को रिजर्व करके यहाँ पर लाना पड़ता है। चलिए जी इस बात की कोई भी टेंशन रही नहीं, तो ऑटो जो है आ जाएगा और ऑटो पे हम लोग जो है बैठ करके चले जाएंगे। फिलहाल जो है जल्दी से अब सारा सामान को एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं ताकि जाते समय कोई भी सामान छूट ना जाए। देखे क्रियांश होय होय बाय क्रियांश बाय जय 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 भगवान को जय करो बाबा पास रह जाओ। हंसी आ रही बाबा बाय कर बाय ये तो प्यार से कह रहा है बाय 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 कर दो नहीं जाते टाइम नहीं करेगा हम लोग पहुंच गए हैं कटिहार रेलवे स्टेशन और क्रियांश जो है अभी इसके लिए जिद कर रहा है ये छाछ है ये अच्छा लग रहा है ओके ट्रेन भी आ गई ट्रेन हाँ तो उधर से ट्रेन आ रही है यार ट्रेन आई।
और आज क्या हुआ जी, हम लोगों ने टिकट अपना बुक किया था 3rd AC में और हम लोगों को जो है डाउनग्रेड करके डाल दिया गया कितना AC इकोनॉमी क्लास में। तो यहाँ जो कैपिटल एक्सप्रेस है इसने हमें हर तरह का दिन दिखाया। एक बार हमने 3rd AC का टिकट ही काटा था तो 1st AC में अपग्रेड कर दिया, सेकंड का काटा था, सेकंड से फर्स्ट कर दिया था और इस बार 3rd AC इकोनॉमी कर दिया। लेकिन अच्छी बात है कि ज्यादा टाइम का हम लोग नहीं है सफर इसमें, बस 3 घंटे का है। 3 घंटे में हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे, वहाँ से है हमारी फ्लाइट। क्या बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?